और हसन निसार साहब, आप तिजारत के हक में हैं कि भारत के साथ जो तिजारत का फैसला पहले आया था उसको रिवर्स नहीं करना चाहिए था कैबिनेट की जानिब से, फेडरल कैबिनेट की जानिब से, आप ये कहना चाह रहे हैं? हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। बिल्कुल नहीं, मैं तो 100% इसके हक में हूँ। मुझे चंद सवालों के को जवाब दे दे, बात सुने। एक कॉमन सेंस की बात है ना, या तो कोई आपको समझा दे जी। मुझे कोई एतराज नहीं है समझने में। मेरा क्या इशू है, देखें कश्मीर तो बहरहाल कोई माने ना माने, वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, ठीक है, एक मुतनाजा इलाका है। मुझे बताएं मशरकी पाकिस्तान पे तो कोई तनाजा नहीं था, कहां गया? बिल्कुल क्यों गया? बहुत लंबी, बहुत भयानक एक किताब है, दालियम वीर उत्तम, आप समझ लो जैसे हमारा निशान हैदर है बांग्लादेश का। उस किताब का नाम है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी, कभी पढ़ के देख लो आप। अच्छा, जो बाकी मांदा पाकिस्तान है, मुझे बताओ जो हमारे पास है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्प्यूट नहीं, कोरोला नहीं, को खप नहीं, हमारी हुकूमतें हैं और जैसी भी हैं अपना मुस्तकम है, कोई रौला नहीं है उस पर, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस पर। इसमें आम आदमी का हाल क्या है? 73 साल में पीने का साफ पानी, चांद तो मांगा ही कभी किसी ने नहीं जी, दो वक्त की रोटी। मैंने जब से होश संभाला है मैं लोगों को इसी, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, महंगाई हो गई है जी, भूखे मर गए जी, फलाना हो गया जी, टमकाना हो गया, हमेशा ये मातम करते देखा है। मैंने जब से होश संभाला है मैंने इस मुल्क के की भारी अक्सरियत को दो वक्त की रोटी के गिर्द भागते देखा है। उनका तो आप कर कुछ नहीं सके। ये आई डोंट नो, अब सियाने लोग हैं, जाहिर है हुक्मरान है, इनको ज्यादा अकल होगी तो हुक्मरान है ना। नहीं सर, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मैंने उस कॉलम में जिसमें मैंने ये जिसमें मैंने कहा कि अच्छा फैसला है, साथ ही मैंने ये भी लिखा कि पॉपुलर फैसला नहीं है, उसका मकसद ये था कि किसी वक्त भी ये रिवर्स हो सकता है। और एक बात मैं और आपका बताऊं, ये बहुत जरूरी बात जी। हमारे यहाँ ये चूंकि मोस्टली चपड़कनातिया क्लास होती है, ये कहते क्या हैं हमारे पॉलिटिशियन, जरा गौर करें। हम आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, वो शर्म करो, तुम्हारा काम हमारी उमंगों की तर्जुमानी से ज्यादा हमें उमंगों को तरजीहात उनमें पैदा करना सिखाना है। हुजूर ने क्या किया था, आप यासिन मदीना की बात करते हैं, उन्होंने तो अवाम की उमंगों को पलट के रख दिया था। वो तो बुत पूजना चाह रहे थे भाई, वो तो सूद भी खाना चाह रहे थे, वो ये भी करना चाह रहे थे, वो भी करना चाह रहे थे, उनको बिल्कुल उलट के रख दिया। अवाम की उमंगों को की डेफिनेशन तब्दील कर दी। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। ये पॉपुलर फैसले, पॉपुलर चीजें करने की कोशिश करते हैं, नतीजा फिर क्या होता है, मफरूर हो जाते हैं। तीन बार वजीर आजम बन गए, पता नहीं क्या कर करा के, नतीजा कभी जद्दे भाग गए, कभी इंग्लैंड भाग गए, कभी किसी से डील कर ली, कभी किसी से डील कर ली। तो ये अजीब तरह का मटेरियल है, एक दूसरे फैसला करना मुश्किल है, सच्ची बात ये। लेकिन हसन निसार साहब, अगर मुस्तकबिल के बारे में अगर कहीं कोई कमी खामी है तो फिर हमें उसको भी तो इंडिकेट करना चाहिए ना। लाइक जिस तरह आप कह रहे हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन करने होते हैं लीडरशिप को, और लीडरशिप अपने आप को दूसरों से मुमताज इसी सूरत में कर सकती है, तो फिर ये अनपॉपुलर डिसीजन करने की हिम्मत या ताकत फिर उस लीडरशिप में क्यों नहीं है जो 25 साल जिद्दोजहद करने के बाद इस वक्त लीडर है हमारे? मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। फिर आप फिर अपने डिसीजन रिवर्स क्यों करते हैं अगर आपने ले लिया है तो? देखो ये तो हिम्मत, हौसले, सकत और यकीन की बात है ना जी, अदरवाइज तुम तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
जितर चाहें। दूसरी बात यह है कि जिंदगी में लर्न किए हुए को लर्न करना मुश्किल है कि लेकिन इससे करोड़ गुना मुश्किल काम है अनलर्न करना। सीखना मुश्किल है जिंदगी में, कुछ भी सीखना, लेकिन इससे कई गुना मुश्किल है सीखी हुई चीज को अनसीखा करना, अनलर्न करना। इट्स डिफिकल्ट टू लर्न बट इट्स मोर लेस इम्पॉसिबल टू अनलर्न अगर आपने वो गलत सीख लिया है आपने। तो एक माइंडसेट है, उधर भी तो इंसान ही बसते हैं ना अक्रॉस द बॉर्डर, क्या हाल है उनका, जिनके अंदर जमीर है, जिनके अंदर जेन है, जिनका दिल धड़कता है। वो मरकंडे काटजू साहब जो उनके चीफ जस्टिस हैं और बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े अच्छे नाम हैं, जो इन बेहूदगियों की मुखालफत करते हैं, जो एक वहशत और जुनून वहाँ मार्केट किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, वरना कैसे मुमकिन है कि कुछ दरिंदे हैं अशरफुल मखलूकात। आप अपने अपने जैसों पे जुल्म ढाते हो, उन पे जबर करते हो, उनको उन, 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 उनको सप्रेस करके रखना चाहते हो, उनसे उनके मजहब, उनका अकीदा, उनका इतकाद, उनका सारा कुछ छीनना चाह रहे हो आप, तो क्या है ये लीडरशिप का कहत है बेसिकली, नहीं होता। आज भी वो कांग्रेस है, तल्लुकात हमारे जैसे भी हों जब भी हों, लेकिन जो मौजूदा रिजीम है तो भयानक सूरत हाल है, तो सिविलाइज इंसान है ही नहीं है। ये अशरफुल मखलूकात नहीं, ये अशरफुल मखलूकात की फोटोकॉपीज हैं। अशरफुल मखलूकात का तो लेवल ही और है भाई। तो इसलिए इनका इनके बारे में सोचना। हसन निसार साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर का मामला इज ए सेपरेट थिंग, और अगर ट्रेड होती है तो इट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज ए सेपरेट थिंग, तो इन दोनों को दो अलग मामला लेकर के साथ चलाना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैं तो जनरली यही समझता हूँ, ट्रेड उधर है और आपका झगड़ा है, वो आप उस पर कंटेस्ट करते रहो आप। क्या हफीज शेख साहब मामला चल रहा है जो इस तरह, तो आई डोंट नो राइट, क्या हफीज शेख साहब और हम्माद अदर साहब की अदला बदली या उथल पुथल से आगे पीछे हो जाने से कोई फर्क पड़ने जा रहा है हसन निसार साहब? आई डोंट थिंक सो जी, नहीं मेरा नहीं ख्याल। व्हाई? ये इंडिविजुअल से काम बहुत आगे जा चुका है ये। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा हसन निसार साहब बात कर रहे थे यहाँ पर, भारत के साथ जो पाकिस्तान ने ट्रेड करने का फैसला किया था, व्यापार करने का फैसला किया था, उसे मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दूसरे दिन यू टर्न लेते हुए मना कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट कितनी कन्फ्यूज़न से भरी हुई है, और उसका ये कन्फ्यूज़न आज से नहीं पिछले कई सालों से है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हसन निसार साहब ने जो बातें कही हैं, हालांकि आपको मैं एक क्लियर बात बता दूं, हसन निसार साहब इमरान खान की पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जब इमरान खान की पार्टी के बन रही थी तो उसके ये फाउंडिंग मेम्बर भी थे, हालांकि फिर आप जानते हो ये फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी ये हसन निसार साहब इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो दोस्तों इस मतलब इस तरीके से हसन निसार बात कर रहे हैं जैसे कि वो मतलब इमरान खान को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। आपको बता दें हसन निसार साहब जो मतलब अभी कुछ दिनों से जब आप इनके पुराने वीडियो देखेंगे तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे गवर्नमेंट को, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, लेकिन अब उस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करते इमरान खान को। तो आप समझ सकते हैं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है किसको, हसन निसार का इमरान खान को लेकर। और हसन निसार साहब कई बार ये भी बोलते हैं कि इमरान खान अच्छा है लेकिन उसके कैबिनेट या उसके नीचे के लोग ख़राब हैं। तो भाई लीडरशिप का तो ये काम ही रहता है कि उसे लीडरशिप की क्वालिटी ये रहती है कि उसको मतलब ऐसा कुछ काम करे कि उसके नीचे तक के लोग अच्छे हो जाएं। तो ये इमरान खान का फैसला जो था, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया था, कई लोगों ने इस तरीके की बातें कही थी कि आप ये मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती टाइप की करवा रहे हो, कि इस तरीके के यू टर्न ले रहे हो तो इससे होगा क्या, कोई भी देश आपके किसी भी एक्शन का रिएक्शन एक हफ्ते के बाद ही देगा, क्योंकि वो भी सोचेगा कि ये लोग बहुत जल्दी पलट सकते हैं तो इन
की मतलब किसी भी बात पर विश्वास ना किया जाए। आप समझ सकते हो इस न्यूज़ को, मतलब अल जजीरा और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया तक ने कवर किया था, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का मामला था, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी ये न्यूज़ बननी ही थी, और भारत में भी इसको कवर किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने दूसरे ही दिन अपने मतलब इस तरीके का राग अलापने लगे कि जब तक धारा 370 और आर्टिकल 35 ए नहीं हटता है, तब तक नहीं लेंगे कोई भी नॉर्मलाइजेशन का फैसला इंडिया के साथ। इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से होने लगी। हालांकि इंडिया को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या करना हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, ये तो पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। तो इंडिया ने भी, मोदी जी ने भी इसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि चलो ठीक है, कुछ बात आगे बढ़ती है तो अच्छा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।